जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। आर्मी MEG मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2022। दोस्तों, इसकी बड़ी अपडेट आप सभी के लिए यहां पे आई है। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड यहां पे जारी कर दिए हैं। काफ़ी कैंडिडेट काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, यानी दोस्तों उम्मीद से ज़्यादा समय इस भर्ती में यहाँ पर लिया गया। आपके लगभग जो है दोस्तों इसमें 4 या 5 मंथ हो चुके हैं जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म लिए हुए, तो ऐसे में काफ़ी कैंडिडेट होंगे जो भर्ती को तो भूल ही गए होंगे और एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड आप सभी के आ चुके हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे, कौन कौन सी ट्रेड के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आपके आगे की जो प्रोसेस है, कि काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनके क्वेश्चंस रहते हैं, उन सभी के बारे में डाउट डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले आपको चैनल पे अपडेट कर दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस, जी हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको भर्ती के नोटिफिकेशन PDF और इसका जो यहाँ पे दोस्तों सिलेबस और जो डिटेल्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया है और सारी अपडेट टेलीग्राम पे आपको मिलती रहती हैं, तो ज़रूर जुड़ जाइएगा यहाँ पे आकर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, साथ में यहाँ से डाउट ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक दिया गया है। सो गाइस, ये आपके यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई थी जो कि मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप के सेंटर बेंगलोर के द्वारा ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया था, जिसमें टोटल आपकी 72 पोस्ट यहाँ पे थी। और ये आपने जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा दोस्तों तो आपको पता होगा, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं आपने आपको भर के बताया था। तो इसमें यहाँ पे कौन कौन सी पोस्टें थी, तो ये आपकी पोस्टें थी जिसमें आपके यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड जो हैं दोस्तों आ चुके हैं, कुक की थी, स्टोर कीपर की थी, LDC की थी। तो ये आपकी यहाँ पे पोस्टें रखी गई थी। स्टोर कीपर की जो है ज़बरदस्त वैकेंसी थी दोस्तों, और इसके अलावा अंदर जो वैकेंसी थी उनके भी काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों आप नीचे चलते हैं, तो नीचे यहाँ पे देखिएगा ये इसका जो है बड़ा सा नोटिफिकेशन आया था, और ये खाली कैसी है। तो नेट प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी सी नेट स्लो है भाई इस कान से, शायद जो है ये खाली बड़ा है, एक सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे जो कि जो है बड़ी भर्ती थी, और ये आपके इसका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह था और सिलेबस वगैरह जो है यहाँ पे दिया गया था। आप सिलेबस को भी देखेंगे, ये इसका बड़ा सा एप्लीकेशन फॉर्म था और आपको हमने आपको भर के भी बताया था। तो अब जो है दोस्तों इनके एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट दोनों आ चुकी हैं, और एक तो समस्या यहाँ पे की गई है दोस्तों, वो सबसे बड़ी समस्या है कि आपकी डेट जो है मैच करती जा रही है। अब एग्ज़ाम डेट यानी दोस्तों जो आपने अदर एप्लीकेशन फॉर्म भरे उनके भी डेट यही आ रही हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे HQMG सेंटर बेंगलोर MTS सिविलिंग मैसेंजर की ये पोस्ट थी, इसका एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी किया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो दोस्तों ये जो है इसका एडमिट कार्ड आया है जो कि आपका प्रूफली है, आप बेंगलोर का यहाँ पे मोहर भी चिपकाया गया है। तो यहाँ पे मुझे एक कैंडिडेट ने शेयर किया है, इनका दिल से थैंक यू, आपके जिनके भी एडमिट कार्ड आते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करते रहिएगा भाई, जिससे जो है आप सभी के लिए अपडेट आती रहें। तो ये यहाँ पे दोस्तों जो है आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया है जो कि MEG बेंगलोर के द्वारा, और इसकी यहाँ पे एग्ज़ाम डेट देखिएगा 28 अगस्त 2022 इसकी यहाँ पे आपकी दोस्तों एग्ज़ाम डेट है। सेंटर एग्जामिनेशन आप देखेंगे और टाइम भी दे दिया है, यानी 2 बजे से आपका शाम को स्टार्ट होगा और यहाँ पे 4 बजे तक जो है यहाँ पे आपका टाइमिंग चलने वाला है, यानी 2 घंटे का आपको टाइम दिया गया है, 2 से 4, जो कि ये आपका शाम वाली शिफ्ट हो जाएगी, जो दोपहर के बाद दोपहर की जो शिफ्ट है दोस्तों ये हो जाएगी आपकी। और ये आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है और एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है, तो आप दोनों चीज़ें जो कि नोट कर ली होगी। अब काफ़ी कैंडिडेट होंगे कि सर जो है मेरा नहीं आया है, जिन कैंडिडेट का एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है तो उन कैंडिडेट को अब जो है अपनी निश्चित डेट तय करके बैठ जाइएगा, 28 अगस्त के आसपास आपकी डेट रहेगी, यानी या तो आपकी 27 होगी या 26 होगी, 25 होगी, या फिर एक ही डेट भी हो सकती है, क्योंकि
एक साथ एग्ज़ाम करवाए जा सकते हैं, क्योंकि बेहतर पोस्ट थी दोस्तों ये, बेहतर पोस्ट भी द्वारा एडमिट कार्ड जो है आपके सभी 1 तारीख भी हो सकते हैं, बट पॉसिबल कम है। तो इनके आसपास आपकी सभी की डेट रहेगी, तो ऐसे में आपको चुप नहीं रहना है, यानी आपको अपनी तैयारी पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एडमिट कार्ड आपके सभी के यहाँ पे जो है दोस्तों आने हैं। तो सभी पोस्ट के एडमिट कार्ड धीरे धीरे करके आ जाएंगे, काफ़ी कैंडिडेट के आ रहे हैं, काफ़ी कैंडिडेट ने भेज भी दिए हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी को थोड़ा सा इंतज़ार, और पोस्ट ऑफिस जो भी आपकी लगती है उस पर थोड़ा सा पता रखिएगा, उनको बोल दो कि सर मेरा जो है एडमिट कार्ड आते ही आप मुझे सेंड कर देना, बता देना जो भी है, हम लेके जो है उससे जो है आपको जल्दी जो है, कोशिश भी यही करेगा कि आपका देखता रहेगा, कोई भी डाक आएगी तो आपका एक बार मैसेज चला ही जाना चाहिए, व्हाट्सएप नंबर ले लो उनका, एक बार याद दिला दो जिससे जो है उनको पूरी तरह से याद रहे। तो दोस्तों इस चीज़ का ही आपको ध्यान में रखना है, जो MG के द्वारा जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसका एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट दोनों डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब काफ़ी कैंडिडेट बोले सर फिजिकल होगा क्या, तो दोस्तों फिजिकल इसमें नहीं होती है, इनमें होती है इनमें होती है दोस्तों स्किल। तो स्किल होती है वो आपकी ट्रेड रिलेटेड ही होती है, यानी जो भी आपकी ट्रेड लिखती है, तो कुक लगती है तो आपका कुक में क्या होगा, सलाद वगैरह जो एक वज़न वाला जो है वो रहता ही रहता है, तो इसको आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर चीज़ है वो है आपका रिटन एग्ज़ाम। तो भाई मुझे जो है इतनी सी कटिंग मिली है, और पता नहीं कि इतना ही भेजा है या उन्होंने कुछ ऐसा प्रूफ नहीं दिया गया है कि कितने नंबर क्या हो गए क्या होगा, ये नोटिफिकेशन में डिटेल दिया गया है तो उसी को उन्होंने फॉलो किया है। अब हम बात कर लेते हैं, आपके काफ़ी कैंडिडेट बोले सर सिलेबस क्या रहेगा, तो मैं आपको सिलेबस की बात करूं दोस्तों, तो सिलेबस नोट कर लो, GK के अंदर, GK में जितने भी आपके सेंट्रल के एग्ज़ाम हुए हैं 2021-22 में उनको फॉलो करो, साथ में आपको करंट अफेयर्स भी पढ़नी है, करंट अफेयर्स के आपको 6 मंथ की यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ कर जानी है नॉर्मली जो टॉपिक होते हैं, और उनके जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने हैं। उसके अलावा आपके स्टैटिक GK से यहाँ पे करंट से तो दोस्तों 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक GK से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके इसी से पूछे जाते हैं, जो आपका बिल्कुल फिक्स है निश्चित है वो स्टैटिक GK में आपका पार्ट आ जाता है दोस्तों, जो कि रटना ही होता है, समझने वाला उसमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो निश्चित है वो निश्चित ही रहेगा, इस प्रकार का होता है, तो वो मैटर आपको याद होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स की, तो मैथ्स में तो आपको कुछ नहीं करना, 2020-21 जो भी 19 में जो है CGSL CHSL CMTS और आपके SSC में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, CGL को छोड़ देना, इन सभी के आपको पेपर लगा देने, क्योंकि सिलेबस आपका डेटो ही है, और वो टॉपिक थोड़ा छोड़ सकते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, नोटिफिकेशन में पूरा सिलेबस दिया गया है, तो आपको अगर नोटिफिकेशन भेजना है तो एक बार मैं नोटिफिकेशन इंग्लिश में आप ध्यान रखना, वोकेबलरी वाला पार्ट जो है ज़्यादा यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वोकेबलरी पे ध्यान रखना, आइटम फ्रेजेज हैं आपके, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं आपके, एंटोनियम सिनोनियम्स हैं, ये सारी चीज़ें, और फिलिंग द ब्लैंक जो है सबसे ज़्यादा जो है ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है इस टाइम पर, फिलिंग द ब्लैंक में आपका सारे प्रकार के आते हैं, स्पेलिंग एरर, ग्रामेटिकल एरर, सारी चीज़ें यहाँ पे आते हैं, ग्रामेटिकल यानी ग्रामर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं, रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता है नहीं। तो ये सारा सिलेबस हो गया, सारी डिटेल्स हो गई, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद।